जय श्री राम। हर हर महादेव। अक्सर ये देखा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राणी, वो कोई भी नर हो, नारी हो, यहां तक जानवर भी हो, तो किसी एक ऐसी रहस्यमय रोग से पीड़ित रहता है जिसका कभी कभी हम आप या बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक ये नहीं पता लगा पाते कि आखिर इसके ऊपर कौन सी बला है, क्या किया हुआ है, ये रोग है कि दोष है कि तंत्र है कि मंत्र है। क्योंकि होता है ऐसा केस, हम लोगों के साथ भी होता कि काफी मेहनत करनी पड़ती, आखिर है क्या ये, जो विकट विकट मंत्र है, जो विकट विकट चीज है, जो फूंक मारने से तत्काल छोड़ देती है, वो आप हजार बार फूंक मारो तब भी उसको आराम नहीं मिलता है। कई बार क्रिया करो काटने की तब भी आराम नहीं मिलता है, तो कौन ऐसी शक्ति है? ऐसे में बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर एक साइको यानी फोबिया जिसे बोलते वो भी होता है, और एक मानसिक रोग भी होता। लेकिन मानसिक को भी कभी कभी होता है कि हम लोग जो होशियार तंत्र लाइन के लोग हैं वो मोटिवेट करके और अपनी दवाओं से, दुआओं से उसको कवर कर ले जाते हैं, नया नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सोचने विषय है ये कि आज यहां गए, कल वहां गए, परसों वहां गए, चलते रहते हैं, आज इनको दिखा रहा हूं, कल उनको दिखा रहा हूं, और जो रोगी है उसको आराम नहीं मिल रहा है। इस विषय पे हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े रहते हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं। ठीक है, सुरेंद्र कश्यप जी हैं, महाराज धनात्री जी हैं, कल्याण वचस्पति जी हैं, राधा रमण जी हैं, महामंडलेश्वर राधिका जी हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर हुआ करता है, पूछा जाता है उसके बारे में। कभी मैं जानकारी लेता हूं कि ये कैसे होता, वो ऐसे, मतलब ज्ञान जितना आप एक दूसरे से, ज्ञानी आदमी के साथ बैठो, जितना तर्क वितर्क करो उतना ज्ञान निकल के आएगा। तो अंत में अभी रिसेंटली एक केस ऐसा आया हम लोगों के पास कि समझ से परे था, आखिर है क्या इसके ऊपर। सारे मेडिकल टेस्ट कराए गए, कुछ नहीं निकल रहा, तंत्र मार्ग से देखा गया, कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन क्रिया ऐसी कि खतरनाक। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी होता है कि, अभी हमारे सुरेंद्र जी ने बताया था कि तिरवाचा चीजें होती हैं, कि बहुत से लोग जो होशियार रहते हैं तिरवाचा दे के भेजते हैं, तिरवाचा काटना पड़ता है, उसके बाद वो बताता, मुंह बंद रहता, कुछ पूछो सिर्फ सर हिलाएगा, कुछ बताएगा ही नहीं, इसकी जांच की क्रियाएं होती हैं बहरहाल। लेकिन जो अभी तक मैंने थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को देखा जो इस तरीके की कठिन विषय वाले, सब्जेक्ट वाले मैटर था, असाध्य था, उन पर ये सफल रहा। और मैं आज बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लें, नवरात्रि में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन लाने हैं, छोटी छोटी मिटकियां टाइप की, जो घड़ा नहीं होता, घड़ा, छोटे छोटे घड़े ढक्कन सहित। ये जिस रोगी के लिए करना हो तो अष्टमी, पंचमी, सप्तमी को कर सकते हैं, या लास्ट वाले दिन नवमी को। पांचों में एक में हल्दी का पानी रहेगा, हल्दी का पानी, दूसरे में दूध रहेगा गाय का, तीसरे में आपको उसके अंदर जो रखना पड़ेगा शहद और तुलसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं। चौथे में आपको उसके अंदर रखना पड़ेगा बड़ी धार। बड़ी धार क्या होती है, जो गांव ग्रामीण के लोग जानते, बड़ी धार बनती है जो उतारा करके धार दिया जाता है। जो शहर के लोग अगर मेरी वीडियो देखने, बड़ी धार नहीं मालूम है, तो आपको
इसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर तेज पत्ता कूटकर, काली मिर्च और हल्दी, ठीक है, समझ रहे ना, थोड़ा सा गुड़ डाल के बना लेना। अब पांचवे में क्या करना है आपको, ध्यान की, पांचवे में आपको शराब डालना है। ये पांच हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे, गुरु जी नवरात्रि में शराब, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अपूर्ण ज्ञान लेके मूर्खता वाला प्रश्न ऐसे प्राणी ना करें, अध्ययन करें, ठीक है। शराब के विषय में एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जिसके फायदे और जिसका नुकसान दोनों इतने खतरनाक हैं कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मदिरा जो था, सुरा भी बोलते थे, देवताओं के समय से इसका प्रयोग दवा में, दवा रूपी होता था, लेकिन इसको हम नशा रूप लेने लगे। किसी चीज की अति ज्यादा हो जाती है तो वो उसका रिएक्शन बहुत ही खराब होता है। बहरहाल मैं जो बता रहा हूं ध्यान रखिए, बहुत जगह नवरात्र में बलि भी दी जाती है, उसका क्या करेंगे आप। लेकिन मेरा मैटर है कि तंत्र मंत्र शराब इसलिए कि किसी माध्यम से, क्योंकि नवरात्रों में कुछ क्रियाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि वो चाहे तंत्रोक्त विद्या हो, मंत्रोक्त हो, वैदिक हो, ठीक, ओझाई हो, पैगाई हो, सुखाई हो, यानी जिस माध्यम से किया गया होगा वो कटेगा। तो इन पांचों मिटकियों को आप बढ़िया से एक पात्र में रखिए, साफ पात्र में, पत्तल के साथ। अब आपको पांच पूड़ी घी की, उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा, उबले चने थोड़े से, पकौड़ी पांच, उसके ऊपर चटनी सहित, ठीक है, मिठाई पांच पीस और पांच फूल, ये हो गया 10 आइटम हो गए। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नहीं लिखूंगा, लिखते जाइए, वीडियो को रिपीट करके लिखिए। पांच लौंग, पांच नींबू, पांच जायफल, इतना सामान हो गया। अब रात को आप जिस व्यक्ति के ऊपर यह चीज हो, सबसे पहले प्रणाम करें, कह दें आप, हे ईश्वर, हे हमारे देवता, हे हमारे ग्राम देवता, हे हमारे स्थान देवता, हे हमारे क्षेत्र के देवता, आपका आह्वान कर रहा हूं, सभी देवी देवताओं, आप पिंड के जितने भी देवी देवता हो, पिंड के जितने भी देवी देवता हो, आपका आह्वान कर रहा हूं, जो बन सकरा मैं दे रहा हूं, और इस व्यक्ति के ऊपर जो भी किया, धरा, वाचा, सब काटिए और इसको अपने साथ ले जाइए, ठीक है, ठीक है। और जब आप रोगी को पूर्व मुख होके, आप पश्चिम मुख होके, नंगे पांव उसको उल्टा करके पूरा एक साथ उतारा करिए। उतारा करते समय क्या बोलना है, कट कट काली, कट कट काली, विकट कराली, क्या लिखेंगे, कट कट काली, विकट कराली, सात वचन से कट जा, सात वचन से कट जा। इसके बाद ये थाली उतार के उसके सामने रखना है, फिर नींबू, एक पांच नींबू रहेंगे, पांच नींबू को उसके सर पर से उठा के सबको दो दो पीस काटते थाली में रख दें, पांचों लौंग को फिर से उसके सर से उतारते हुए तोड़ तोड़ रख दें, उसमें मंत्र नहीं पढ़ना, जायफल को उतारें और काट काट के रख दें, ठीक है। अब जब जायफल को भी काट के इन सारी सामग्रियों को पुनः काट कर क्या करना, लौंग, नींबू, जायफल, इन चीजों को उतारा करने के बाद फिर एक एक बार उतारा करके काट कर उस थाली में रख दीजिए और रोगी को वहीं बैठे रहने दीजिए। आप इन सारी सामग्रियों को लेकर रात को 10 बजे से 1 बजे के बीच ये करना, नंगे पांव ले जाके तिराहे पे एक साथ पत्तल उठा के रख दीजिए, ठीक है, और जो ढक्कन मिटकियों के हैं सब खोल के रख दीजिए, कह दीजिए तुम्हारा चीज तुमको दिया, जिसका हो उसी के पे जाए, जिसने किया उसी को खाए, लौट के आए तो सच्ची काली ना कहाए, ठीक है, जिसका हो उसी पे जाए, जिसने किया उसी को खाए, अगर लौट के आए तो सच्ची काली ना कहाए, ये बोलकर आप चले आइए घर में, हाथ पांव धुल के एंट्री करिए, जो बच्चा बैठा है, जो बालक बैठा है, जो युवा बैठा है, जो रोगी है, उसके ऊपर पानी छिड़क के प्रणाम करके अंदर जाइए। एक बार में
ये किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यदि किया होगा कट जाएगा। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, खुद करें, खुद लाभ पाएं और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को एक रुपए ना दें, इसका पूरा लाभ उठाएं। ये अचूक है, प्रमाणिक है, आजमाया हुआ है और इसका लाभ उठाएं। आपसे निवेदन कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इतने लोगों के बीच कर दें कि अगर मेरा कोई भाई बहन, हमारा कोई भी भारतवासी, हमारे जितने सनातनी विश्व में है, अगर वो बेचारे इस पीड़ा से जूझ रहे हों, जो लाखों रुपए लुटा चुके हों, इधर उधर परेशान हो चुके हों, वो बेचारे आपके आशीर्वाद से, आपके एक शेयर करने से उसका लाभ उठा पाएंगे और जब उनको लाभ मिलेगा तो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी कि जुग जुग जियो। आपने अगर शेयर नहीं किया होता तो आज हमारे घर में खुशियां नहीं आती, ये रोग ना गया होता। बाकी आप समझदार हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कोरोना फिर आ गया है, ठीक है, ये महामारी है। जब जब हुए धर्म के हानि, धर्म के ऊपर जब जब हानि हुआ है, जब जब सनातनों की तरफ सनातनियों को सताया गया, इस तरह की बीमारी कहर रूपी आई और मांसाहार करने वालों का विनाश किया। मांसाहार यानी राजसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यमलोक की तैयारी हो रही है। हजारों साल पहले लिख दिया था कि शाकाहारी बनो, मांसाहारी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण करें माता रानी।